Hello everyone, welcome back. Welcome back to my channel. So in today's video I'm going to give my cousin sister a makeover and I hope aap logo ko ye video pasand aayega and agar pasand aata hai then please give it a big fat thumbs up and also share this video. To chaliye aaj ki video ko hum start karte hain. So I'll be starting off by prepping her face using Azafran Organics face mist. उसको मैं उनके face के ऊपर थोड़ा सा dab dab कर रही हूँ ताकि जो face mist है वो अच्छे से absorb हो जाए. Next I'm using Good Vibes coffee face cream to moisturize her face. नेक्स्ट मैं उनकी आईब्रो ड्रॉ करूंगी. पहले मैं एक स्पूली की मदद से आईब्रो को ब्रश कर रही हूँ. उसके बाद एक लैक्मे आईब्रो पेंसिल की मदद से मैं आईब्रो को ड्रॉ कर रही हूँ. नेक्स्ट फिर से एक बार मैं स्पूली से आईब्रो को ब्रश कर लूंगी ताकि कोई भी हर्श लाइन ना रहे. आईब्रो ड्रॉ करने के बाद मैं आईब्रो को डिफाइन करूंगी यूजिंग वेट एंड वाइल्ड फोटोफोकस कंसीलर इन द शेड मीडियम टॉनी. उसके साथ साथ मैं उनका जो आई लिड है उसके ऊपर भी अप्लाई करूंगी एज अ आई शेडो प्राइमर. मेरी दीदी का डार्क सर्कल की बहुत प्रॉब्लम है तो अगर आपका भी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है देन यू कैन गो फॉर दिस कंसीलर बिकॉज इस कंसीलर ने डार्क सर्कल को हाइड कर दिया था अच्छे से. उसके बाद मैं कंसीलर को सेट करूंगी यूजिंग लैक्मे रोज पाउडर. उसके बाद मैंने आंखों के दोनों साइड पर सेलोटेप लगा दिया है ताकि एक अच्छा आई लुक आए. आई विल बी यूजिंग ब्यूटी ग्लेजेड आई शेडो पैलेट एंड इस आई शेडो पैलेट से मैं रॉ कलर को पिक करूंगी एज अ ट्रांजिशन शेड एंड उसको मैं जो क्रीज है उसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी एक ब्लेंडिंग ब्रश से. उनका जो आईज है उसका शेप बहुत ही अच्छा है और आई शेडो लगाने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा लगता है. तो मैं ट्रांजिशन शेड को अच्छे से अप्लाई कर दूंगी उनकी दोनों आईज पर. नेक्स्ट मैं उसी पैलेट से इस कलर को पिक करूंगी एंड उसको मैं क्रीज लाइन के ऊपर अप्लाई कर दूंगी अच्छे से ब्लेंड करते हुए ताकि जो क्रीज है उसको उस पर थोड़ा सा डेप्थ आए एंड क्रीज थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगे देखने में. नेक्स्ट आई विल बी पिकिंग अप दिस मरून कलर विथ अ ब्लेंडिंग ब्रश एंड उसको पूरा आई लिड पे ही मैं अप्लाई कर दूंगी. आज मैं एक हेलो आई मेकअप करने वाली हूँ. मैंने इससे पहले कभी भी नहीं किया है सो आई होप ये आई मेकअप अच्छा हो. नेक्स्ट मैंने एक फ्लैट शेडर ब्रश की मदद से कंसीलर को आई लिड के एकदम बीचों बीच अप्लाई किया है जैसे कि मैंने वीडियो पे दिखाया है. नेक्स्ट आई विल बी पिकिंग अप द मरून कलर वंस अगेन विद अ पेंसिल ब्रश एंड उसको जो मैंने कंसीलर लगाया था उसका साइड पे अप्लाई कर दूंगी एंड एक ब्लेंडिंग ब्रश से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई भी हर्श लाइन ना रहे एंड आई शेडो बहुत ही अच्छा लगे देखने में. तो उसके बाद मैंने लिया है इस क्रोम कलर को फ्रॉम द सेम पैलेट एंड उसको मैंने अप्लाई कर दिया है कंसीलर के ऊपर. मैंने फिंगर से ही अप्लाई किया है बिकॉज फिंगर से ही अच्छा होता है एप्लीकेशन. नेक्स्ट मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश से जो एजेस है उसको थोड़ा सा ब्लेंड आउट कर लूंगी ताकि कोई भी हर्श लाइन ना रहे. नेक्स्ट मैंने सोचा कि थोड़ा सा ग्लिटर लगाते हैं तो इसीलिए आई विल बी यूजिंग दिस ग्लिटर पैलेट जिसको मैंने हाथी बागान से लिया था. उससे मैंने इस गोल्डन कलर की ग्लिटर को जो कंसीलर के ऊपर जो मैंने अप्लाई किया था आई शेडो उसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी. नेक्स्ट मैं लगाऊंगी आई लाइनर एंड टुडे आई एम यूजिंग लैक्मे इंस्टा लाइनर इन द शेड ब्लैक. This video is brought to you by Meesho. Meesho is a online reselling app and using this app you can start your own business with zero investment just by sharing the products and reselling them. At first click on the Meesho app then select the product which you want to share with your desired person then click on the share now button. From this button you can share the images and the description of the product with your desired person. You can share your products through any of the social medias like Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Now to order the product, you have to go to add to cart option, then select the size and select the quantity as per your customer's requirement. Then go to the cart and select the payment method. After adding the payment method, you have to add the margin. Suppose the price of the product is 300 and your desired profit is 100, then your cash to collect will be 400. After that you have to proceed and next you have to add the address of the customer and then you can further proceed and place your order.
You have to add your bank details here, and you can also earn through refer and earn option. Meesho has easy returns policy, so you don't have to bother about anything. You just have to place the order and the further process will be handled by Meesho itself. After the product is delivered, Meesho takes 7 days, and after 7 days, your desired payment will be sent to your registered bank account. To know more about Meesho, I have a detailed video here for you. You can go and check that out. The link is in the description box below. Next, I applied a pair of false eyelashes from this palette जिसको मैंने लिया था AliExpress से. Next, मैंने उनके face के ऊपर Blue Heaven की makeup primer को apply कर दिया था. उसके बाद I'll be using Maybelline Fit Me foundation in the shade 230. Actually, मैं जो भी products use कर रही हूँ सब मेरे ही है, because मेरे पास इसके अलावा कोई भी shade का कुछ products नहीं है, तो मैंने मेरी जो shades है उसको ही उनके ऊपर apply किया है, and same ही था, मैच हो गया था उनके स्किन टोन के साथ. एनीवे, तो उसके बाद आई विल बी यूजिंग मेबलिन कंसीलर, एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड न्यूट्रलाइजर. नेक्स्ट, मैं कंसीलर को एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. उसके बाद मैं कंसीलर को सेट करूंगी यूजिंग माय लैक्मे रोज पाउडर. आप कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर या फिर बनाना पाउडर को यूज कर सकते हो. नाउ मैं कंटूर करूंगी उनकी फेस को. सबसे पहले मैं उनके नोज को कंटूर कर रही हूँ, उसके बाद फेस को कंटूर करूंगी. एंड टुडे आई एम यूजिंग कंटूर 3D बम, विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड मर्स. कंटूर को लगाने के बाद मैं उसको मेरी डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. नेक्स्ट, मैंने लिया है एक क्लीन ब्रश, एंड उसके मदद से जो एक्सेस रोज पाउडर है उसको मैं उनके फेस से ऊपर से हटा रही हूँ. नेक्स्ट, आई विल बी पिकिंग अप दिस ऑरेंज ब्लश, एंड उसको मैं उनकी चिक्स के ऊपर अप्लाई कर दूंगी. नेक्स्ट, आई विल बी यूजिंग वेट एंड वाइल्ड मैट फिनिश्ड मेकअप सेटिंग स्प्रे टू सेट हर फुल मेकअप. इसको मैं उनकी फेस के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर दूंगी. उसके बाद एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं डैप करूंगी फेस के ऊपर, ताकि मेकअप अच्छे से सेट हो जाए. Now is the time for highlighter, and this is my current favorite highlighter, जो कि है Maybelline Master Chrome Highlighter in the shade Molten Gold. इसको मैं एक blending brush की मदद से face की usual places पे apply करूँ. Next, I'll be picking up the maroon color from the palette, and उसको lower lash line पे apply कर रही हूँ. Next, I'll be highlighting her inner corners, eyes की inner corners. Next, I'll be applying mascara on her lower eyelashes, and next I'll be using a lipstick, and today I'll be using Wet n Wild Catsuit Matte Lipstick in the shade Nice to Fuchsia, and here is the final look. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप. ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, एंड मुझे ज़रूर बताएगा कि क्या मुझे ऐसा वीडियोज़ डालना चाहिए, मेकओवर वीडियोज़. तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी बनाने के लिए. एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन अलॉन्ग विद द बेल आइकन. सो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही जल्द. तब तक के लिए बाय बाय.